हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। अभिपीडिया एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल फ्रीडम मिलती है टू गेट एसेस ऑन ऑल द कंटेंट्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहां पर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हर एक स्टूडेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, किसी को पॉलिटी चाहिए तो किसी को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इश्यू आ रहा है, किसी को लॉजिकल रीजनिंग में इश्यू आ रहा है, तो किसी को इकोनॉमी में इश्यू आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है, वो कहते हैं कि मैंने कंप्लीट मॉड्यूल प्रिपेयर कर लिया है बट मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भी मैं सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और सी सेट के अंदर से मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट मैं क्या करूँ, मुझे तो नंबर सिस्टम में क्लियरिटी नहीं आ रही। तो उस केस के अंदर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हैं। आप कहते हो कि मुझे तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम आ रही है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हैं। आप कहते हो कि मुझे सिलोजियम समझ नहीं आ रहा लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे, तो उसके लिए क्या करना है, आपने हमारी साइट पे जाना है, दैट इज abhipedia.abhimanyu.com। क्या है बेटा, सभी ने ध्यान से समझना है कि abhipedia.abhimanyu.com नोट डाउन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल, आप वहां से एसेस कर सकते हो। ओके, जब आप यहां पे जाते हो तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है चूज एग्जाम। जब आप चूज एग्जाम में जाते हो तो यहां पे आपके सभी एग्जाम्स की लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है। अगर आपको जीएस के किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, देन आप जर्नल स्टडीज के लिए जा सकते हो। ओके, यहाँ पे गिवन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जर्नल स्टडीज। अगर आपको सी सेट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सी सेट पे जा सकते हो। अभी हमने सी सेट चूज किया है यहाँ पे। अब देखिए, सी सेट के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस के अंदर आप कहते हो कि हाँ जी, मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर से कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है नंबर सिस्टम में। देन कहाँ पे जाना है आपने, माइक्रो कोर्सेज पे। ध्यान रखो बेटा, इसके लिए यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ है माइक्रो कोर्सेज। आप माइक्रो कोर्सेज पे जाएंगे, जब आप यहाँ से माइक्रो कोर्सेज पे जाते हो तो वहां पे देखिए रीड मोर, तो यहाँ पे आपको माइक्रो कोर्सेज दिखाई देंगे हर एक मॉड्यूल के। देखिए क्या आ रहा है, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ओके, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इश्यू आ रहा है, हाँ जी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे जाते हैं। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी कैसे प्रिपेयर करोगे, सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप क्या करते हो कि यहाँ से हमने नंबर सिस्टम चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नंबर सिस्टम पे गए। ठीक है, अब अगेन आपके पास में फ्रीडम है कि नंबर सिस्टम में से भी मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। आपको अगर वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स ओनली। 19 वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, 19 वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर थ्योरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस लेक्चर्स सभी अवेलेबल है। ओके, मीन्स कि आपका नंबर सिस्टम फुली प्रिपेयर हो जाएगा, नंबर सिस्टम में आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अब बात आती है कि हाँ जी, यहाँ से आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे, दूसरा आपको वेब नोट्स मिल रहे, अगर आपको वेब नोट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो कंसेप्ट तो मेरा क्लियर है, मुझे तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हो। ओके, कैसे, जिसकी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको नहीं चाहिए या जो आपको चाहिए, आप उसको उसके अकॉर्डिंग इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको वेब नोट्स नहीं चाहिए, वेब नोट्स रिमूव कर दीजिए। ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं चाहिए, यहाँ से रिमूव हो गया, कस्टमाइज कर सकते हो आप इसको अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो आपने यहाँ से क्लास लेक्चर देख लिए हैं, तो अब यहाँ पे देखो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस जो है वो भी कम हो जाएगा। मीन्स कि आपके पास फुल फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग उस कंटेंट को ले सकते हो। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे
बाय करने से पहले हम क्या सोचते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक बार चेक करते हैं, प्रीव्यू तो लेके देखें। तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट्स का आपको प्रीव्यू अवेलेबल हो रहा है। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू लेते हो, तो प्रीव्यू में जब आ जाओगे तो वहाँ से आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं। ये देखिए सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, कौन से टीचर के लेक्चर आपको मिल रहे हैं, तो वो सारा यहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ में अब यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हर एक लेक्चर के साथ में भी क्या मिल रहा है आपको, एक PDF अवेलेबल है। हर एक लेक्चर के साथ में फर्दर आपको क्या मिल रहा है, एक PDF अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, और साथ में ही आपको एक टेस्ट मिल रहा है, क्विज मिल रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे आपको कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहाँ पे आपको सिंगल सिंगल कंटेंट पे वर्क करने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से आप प्रीव्यू ले सकते हो। डन, 3 मिनट्स का आपको प्रीव्यू मिलता है यहाँ पे। अब देखिए, हाँ जी, अगर आपको आगे फर्दर चेक करना है कि मैं नंबर सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे किसी दूसरे टॉपिक के लिए चेक करना है, अगेन आपके पास में देखिए यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सिंप्लीफिकेशन, ट्रेंड्स, बोट एंड स्ट्रीम, सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं सभी अवेलेबल है। ओके, सेम वे अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाते हो, हाँ जी देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ से केस स्टडीज चाहिए या फिर मुझे डाटा सफिशिएंसी चाहिए, डाटा सफिशिएंसी आजकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप डाटा सफिशिएंसी पे जा सकते हो। ओके, अगेन आपके पास में फ्रीडम है कि आपको क्या चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या फिर स्टडी नोट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इस तरह से आप सभी कंटेंट को एसेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंटेंट को एसेस करते टाइम या कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास में देखिए गिवन है, यस, यहाँ पे आप अपना नंबर छोड़ सकते हो, तो आपको पर्टिकुलर जो भी आपको मेंटर है वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी, आपकी जैसी भी क्यूरी है आप उस क्यूरी को रिजोल्व कर सकते हो। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, जो भी आपके पास क्यूरी है यू कैन रिजोल्व योर क्यूरी एंड गेट एसेस ऑन योर रिक्वायर्ड कंटेंट्स। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट बनाइए जिन जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन गो फॉर दैट टॉपिक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।